इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में जल्द लागू होगी नई जनसंख्या नीति, सीएम योगी ने किया ऐलान। योगी के सामने पेश किया गया था उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का ड्राफ्ट। योगी ने कहा, छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार, सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जनसंख्या नियंत्रित करना जरूरी। अनलॉक के बाद लोगों की उमड़ती भीड़ को लेकर पीएम मोदी चिंतित, मंत्रिपरिषद की बैठक में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे लोगों की तस्वीर देखकर जताई चिंता। मंत्रिपरिषद की बैठक में नए मंत्रियों से बोले पीएम, कोरोना संकट अभी टला नहीं है, इसमें लापरवाही के लिए नहीं है कोई जगह। मसूरी के पास कैंप्टी फॉल में लोगों की भारी भीड़ जमा होने के बाद प्रशासन ने एक बार केवल 50 लोगों को जमा होने की सीमा तय कर दी, आधे घंटे ही रुकने की इजाजत दी जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए 23,123 करोड़ रुपए की इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान, केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे खर्च। 736 जिलों में बनाए जाएंगे पीडियाट्रिक यूनिट, 20,000 ICU बेड किए जाएंगे तैयार। किसान हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1,00,000 करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने हटाए गए मंत्रियों का किया जिक्र, कहा व्यवस्था के चलते हटे मौजूदा मंत्रियों से सलाह लेने को कहा। पीएम ने मंत्रिपरिषद की बैठक में विभागीय खर्च में कटौती करने पर ध्यान देने को कहा, मंत्रियों को स्वच्छता कार्यक्रम में भी ध्यान देने को कहा गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 दिन के अंदर दूसरा एनकाउंटर, रेडवानी इलाके में छिपे आतंकी, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी। सोपोर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी संगठन के ठिकानों को किया तबाह, भारी असलाह किया बरामद, मकान के बेसमेंट में बनाया था ठिकाना। राजस्थान साइबर सेल और ATF ने मेवात से असदुद्दीन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, आतंक समूह से संपर्क में था आरोपी, लोगों को देश विरोधी कंटेंट के जरिए बरगला रहा था। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आज नाम वापस लेने की आखिरी दिन, कल होगा चुनाव। चिराग पासवान की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, पशुपति पारस को लोकसभा में LJP का नेता चुने जाने को दी है मंजूरी। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आज से RSS प्रचारकों की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता, 4 दिनों तक चलेगा संघ का चिंतन शिविर। नए रेलवे और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बड़ा फैसला, दोनों मंत्रालयों में 2 शिफ्ट में होगा काम, भीड़ कम करने के लिए फैसला। अश्विनी वैष्णव के ट्विटर पर दिए बयान पर बोले नवाब मलिक, चेतावनी देने के बजाय कार्रवाई करने को कहा। आर्मी चीफ नरवणे ने दूसरे विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में इटली के शहर कैसिनो में स्मारक का किया उद्घाटन, इटली के रक्षा मंत्री से की मुलाकात। आज रूस के विदेश मंत्री से मिलेंगे S. जयशंकर, सीरिया से लेकर अफगानिस्तान और सैन्य सहयोग पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना उत्तर प्रदेश के पूर्व CM कल्याण सिंह की तबीयत का हाल, पोते से बात कर ली जानकारी, कहा लोग सलामती के लिए कर रही हैं दुआ। लखनऊ के PGI में भर्ती हैं कल्याण सिंह, कल BJP अध्यक्ष JP नड्डा और CM योगी देखने पहुंचे थे। राहुल गांधी और BJP अध्यक्ष JP नड्डा आज जाएंगे शिमला, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को देंगे श्रद्धांजलि। मंत्री बनते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक, कुछ देर के लिए मोदी सरकार के खिलाफ किए गए पुराने वीडियो अपलोड किए गए, ग्वालियर में FIR दर्ज। देश में कोरोना केस फिर से बढ़े, एक दिन में 43,000 लोग पाए गए पॉजिटिव, 911 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,114 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 121 लोगों ने गवाई जान। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत जारी, आज किसी सरकारी या BMC सेंटर पर नहीं लगेगी वैक्सीन, BMC ने किया ऐलान। ओडिशा के गंजाम इलाके में वैक्सीन की कमी से टीका केंद्र पर भीड़ हुई बेकाबू, लोगों ने तोड़ा बैरिकेड, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। अमेरिकी सरकार से कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने की मंजूरी मांगेगा फाइजर, 12 महीने के अंदर बूस्टर डोज लगाने से बढ़ेगी इम्यूनिटी। अमेरिका की CDC और FDA ने जारी किया बयान, कहा 2 वैक्सीन ले चुके अमेरिकी लोगों को फिलहाल बूस्टर शॉट की जरूरत नहीं। साउथ कोरिया में कोरोना से बिगड़े हालात, सियोल में सोशल डिस्टेंसिंग नियम के सख्ती से पालन कराने का ऐलान। केरल में मिला जीका वायरस का पहला केस, तिरुवनंतपुरम में 24 साल की महिला प्रेग्नेंट होने की पुष्टि, जीका वायरस के 13 और संदिग्ध केस मिले। महाराष्ट्र में मानसून के फिर एक्टिव होने की उम्मीद, अगले 4 से 5 दिनों में भारी बारिश की संभावना। भारी बारिश से नागपुर में जगह जगह भरा पानी, लोगों की शिकायत, हर साल होते हैं ऐसे हालात, प्रशासन की तरफ से कोई हालात का जायजा लेने नहीं आता। दिल्ली के बड़ा हिंदू राव में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से 2 राहगीरों की गई जान। बदमाशों ने नईम नाम के एक शख्स को टारगेट पर फायरिंग की, लेकिन गलती से 2 राहगीर चपेट में आए, मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हुई।
दिल्ली में फुलजी डबल मर्डर में फ्री रिश्तेदार ने ही की थी मां बेटे की हत्या, पुलिस को शव उठाने में की थी मदद। कानपुर के बिल्हौर इलाके में बेकाबू रोडवेज बस नदी में गिरी, पुलिस और स्थानीय लोगों ने किया राहत और बचाव का काम। यूपी के गाजियाबाद में केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग, केमिकल की वजह से लगी आग ने पास के ही एक बैंक को चपेट में लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर 1 करोड़ की कीमत के मोबाइल फोन किए गए सीज, दुबई से गैर कानूनी तरीके से लाए जा रहे थे मोबाइल। हरिद्वार के हर की पौड़ी में हुक्का पार्टी करने के आरोप में 6 गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर बोले राष्ट्रपति बाइडेन, 31 अगस्त तक सैनिकों की हो जाएगी वापसी। तालिबान ने ईरान से सटे अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग पर किया कब्जा, हवा में फायरिंग कर मनाया जश्न। अमेरिका में कैलिफोर्निया नेवाडा बॉर्डर पर 6 की तीव्रता का भूकंप, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए झटके, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। स्वीडन में प्लेन क्रैश में 9 लोगों की मौत, मृतकों में 8 स्काई डाइवर और एक पायलट शामिल। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे की हत्या के पीछे 26 कोलंबियाई, 2 अमेरिकी, सूत्रों के हवाले से खबर। टोक्यो ओलंपिक जाने वाले एथलीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संवाद, 13 जुलाई शाम 5 बजे करेंगे बातचीत। जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में दर्शकों की एंट्री नहीं होगी, देश में आपातकाल लागू होने के बाद ओलंपिक मिनिस्टर ने लिया फैसला। एशले बार्टी और कैरोलिना के बीच खेला जाएगा विंबलडन का महिला एकल फाइनल, दोनों ने पहली बार फाइनल में बनाई जगह। भारत के साथ वनडे सीरीज से पहले श्रीलंका क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर का हुआ कोरोना और 13 जुलाई से शुरू होनी है वनडे सीरीज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।